हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च डिस्कस करेंगे। इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें हम किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए पहले हम इंडेक्सेस के थ्रू एलिमेंट्स को मैच करा लेते हैं, और अगर इंडेक्सेस में हमें एलिमेंट्स नहीं मिले तो देन हम सिक्वेंशियली सर्च करके एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। इंडेक्सेस का ये मीनिंग है कि इस एरे में से या जो गिवन एरे है उसमें से कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को हम एक इंडेक्स में मेंटेन कर लेते हैं, और पहले कंपैरिजन सर्चिंग एलिमेंट का हम उन इंडेक्स में अवेलेबल एलिमेंट से करा देते हैं। अगर उनमें से किसी में मैच हो जाता है तो हम वहीं से इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज हम एक रेंज में सिक्वेंशियल सर्च करके एलिमेंट को सर्च कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गिवन एरे है इसमें मान लीजिए कि आपको एक एलिमेंट सर्च करना है 12, और इसमें हम ये मान लेते हैं कि जो इंडेक्स हमने मेंटेन किया है वो हर एक फोर्थ एलिमेंट को एक इंडेक्स में मेंटेन कर लिया है। मीनिंग इसका ये है कि हमने एक इंडेक्स मेंटेन किया, लेट्स से ये हमारा इंडेक्स है, और इस इंडेक्स में हमने हर फोर्थ एलिमेंट को स्टोर करा लिया है। तो पहले 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कराया, फिर 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कराया जो कि 10 है, देन 8th इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कराया जो कि 18 है, देन 12th इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कराया जो कि 22 है, देन हमने 16th इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्टोर कराया जो कि 34 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वी हैव मेंटेन एवरी फोर्थ एलिमेंट इन द इंडेक्स एरे। और इसके बाद जब हमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो सबसे पहले हम इंडेक्स में अवेलेबल एलिमेंट से कंपैरिजन करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ये 12 है हम सबसे पहले इससे कंपेयर कराते हैं, तो 2 तो नहीं है हमारा 12, तो हम आगे कंपेयर करते हैं 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट से जो कि 10 है, देन उसके बाद फिर हम 8 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं जो कि 18 है। तो हमने ये देखा कि ये जो एक्स एलिमेंट है वो 18 से छोटा है, ये 10 से बड़ा था फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट से, लेकिन 8 इंडेक्स वाले एलिमेंट 18 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो एलिमेंट मिल सकता है वो इंडेक्स 4 और 8 के बीच में मिल सकता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स 4 और 8 वाला रेंज है इसमें ओरिजिनल एरे में रेंज में सर्च करा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट इंडेक्स मान लिया कि वो 5 है और जो लास्ट इंडेक्स है वो 7 है, और हम फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में एलिमेंट को कंपेयर करा लेंगे या हम उसमें सर्च कर लेंगे सिक्वेंशियली। तो अगर हम 12 को सर्च कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट इंडेक्स पर ही एलिमेंट मिल जाएगा और हम ये 5 को रिटर्न कर देंगे। और मान लीजिए कि अगर हम 12 की जगह अगर हम 16 को सर्च कर रहे होते तो हमने 5 इंडेक्स से कंपेयर किया होता, देन 6 इंडेक्स से कंपेयर किया होता, देन 7 इंडेक्स से कंपेयर किया होता, फाइनली आपको 7 इंडेक्स पे अपना सर्चिंग एलिमेंट मिला होता और हमें 7 इंडेक्स को रिटर्न कर देते और हम बताते कि 7 इंडेक्स पे हमारा सर्चिंग एलिमेंट मैच कर गया है या हमें मिल गया है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इंडेक्स पे सर्च किया, एंड देन उसके बाद जब इंडेक्स में एलिमेंट नहीं मिला देन हमने क्या किया कि एक रेंज फाइंड किया और उस रेंज में हमने सिक्वेंशियल सर्च किया। इसी रीजन से हम इसको कहते हैं इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल सर्च। फाइन, तो हम इसको इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च इसी रीजन से कहते हैं कि हम सबसे पहले इंडेक्स पे सर्च परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन उसके बाद हम सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एरे आपको गिवन है वो सॉर्टेड एरे है, ये हमारा प्री रिक्विजिट होगा। इसके बाद हमें एक इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी और देन उसके बाद फिर हम सिक्वेंशियल सर्च करेंगे इस ओरिजिनल एरे पे। तो मान लीजिए कि आपको इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च करना है और आप इसके लिए एक छोटी सी एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए हमने क्या माना कि हमारे पास इंडेक्स एरे अभी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम डायरेक्टली जो है ओरिजिनल एरे से एलिमेंट्स को कंपेयर करा सकते हैं, और हर फोर्थ एलिमेंट को हम कंपेयर कराएंगे जिससे कि जिसको हम मान लेंगे कि हम इंडेक्स वाले ही एलिमेंट से कंपेरिजन करा रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या कहा कि हम इंडेक्स एरे अभी मेंटेन नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि हमारा जो कंपेरिजन है वो हर फोर्थ एलिमेंट का होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स, और ये हम ओरिजिनल एरे से ही एलिमेंट को पिक करके कंपेरिजन करा लेंगे। इसको हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे कि एज इफ वी आर मेंटेनिंग एवरी फोर्थ एलिमेंट इन द इंडेक्स एरे। तो इसको इस एल्गोरिथम को समझने के लिए सबसे पहले
हम गिवन क्वांटिटी के हिसाब से या गिवन पैरामीटर्स के हिसाब से एक लो और हाई सेट कर लेते हैं। सो हमारे हिसाब से जो लो इंडेक्स होगा दैट विल बी जीरो, और जो हाई इंडेक्स होगा हमारी तरफ से दैट विल बी एन माइनस वन अगर हमारे पास एरे का साइज एन गिवन है। हम सबसे पहले कुछ बेस केसेस को टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं अगर वो सबसे छोटे इंडेक्स वाले एलिमेंट से भी छोटा है या फिर सबसे बड़े वाले इंडेक्स से भी बड़ा है तो उस केस में कहेंगे कि ये एलिमेंट हमारा प्रेजेंट इस एरे में नहीं है। तो मान लीजिए कि अगर हम जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो वन है तो वो टू से छोटा है, इसका मतलब कि सबसे छोटे वाला इंडेक्स से भी छोटा है। और या फिर अगर हम 100 को सर्च कर रहे हैं इस एरे में तो वो सबसे बड़ा इंडेक्स जो है वो 26 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो कि 54 है उससे भी बड़ा है, तो ये हमारा एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बेस केस हम यहाँ पे लगाते हैं कि अगर जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं दैट इज लेस देन ए लो, या फिर वो जो एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन ए हाई, अगर ए एरे का नाम है तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट मेरा इस एरे में नहीं मिलेगा। तो हम एक इंडिकेशन रिटर्न कर देते हैं, एक इनवैलिड इंडेक्स रिटर्न करते हैं जो कि एक इंडिकेशन है कि हमारा एलिमेंट इस एरे में नहीं मिलेगा। इसके बाद हम रेंज में सर्च करते हैं और मान लेते हैं कि एक आई है जो कि सबसे छोटे इंडेक्स पे है, इसका मतलब कि वो लो इंडेक्स पे है। अब इसके बाद हम इस आई को 4-4 इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसा मान रहे हैं कि आई हमारा इंडेक्स पे सर्च परफॉर्म कर रहा है। तो हमने ये देखा कि जब तक मेरा सर्चिंग एलिमेंट बड़ा है ए आई एलिमेंट से तब तक हम क्या करेंगे, आई को आई प्लस 4 कर देते हैं, मतलब कि 4 इंडेक्स आगे बढ़ा देते हैं गिवन इंडेक्स आई को। इस प्रोसेस को करने के बाद जहां पे भी हम स्टॉप करेंगे उस केस में जो सर्चिंग एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट के या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे कि हम जब 12 को सर्च कर रहे थे या 16 को जब हम सर्च कर रहे थे तो इसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया आई को 0 इंडेक्स पे, 2 से बड़ा है मेरा 16, देन हम 4 इंडेक्स पे चले जाते थे, 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट से भी 16 बड़ा है, देन हम जाते थे 8 इंडेक्स वाले पे जो कि 18 है। अब यहाँ पे 16 इस एलिमेंट से बड़ा नहीं है बल्कि इससे छोटा है तो हम अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर देते थे। तो ये जो लूप है, ये जो वाइल लूप है उस केस में स्टॉप करेगा जबकि एक्स छोटा हो जाएगा ए आई एलिमेंट से या हो सकता है कि एक्स इक्वल हो जाए। तो इस लूप के फिनिश होने के बाद हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा गिवन एलिमेंट ए आई के इक्वल है या सर्चिंग एलिमेंट ए आई एलिमेंट के इक्वल है। अगर ऐसा है तो हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया और हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स आई। लेकिन मान लीजिए कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर एक्स मैच नहीं किया ए आई से तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स हमारा ए आई से छोटा है। तो अगर एक्स ए आई से छोटा है तो हम एक एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। यहाँ पे मेरा 18 एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 8 है और यहाँ पे मेरा 16 है, ये 14 है, ये 12 है, ये इंडेक्स 7 है, ये इंडेक्स 6 है, ये इंडेक्स 5 है, ये इंडेक्स 4 है और यहाँ पे 10 है। आई मेरा करेंटली यहाँ पे है जिसमें हम 16 को सर्च कर रहे हैं। तो 16 जो है वो इस एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो हम रुक जाते हैं। उसके बाद हमने ऑलरेडी 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट और 8 इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपैरिजन कर लिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अब कंपैरिजन 5 और 7 इंडेक्स के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि हम अपने सर्च रेंज को 5 से 7 के बीच में बनाना है, इसलिए लास्ट इंडेक्स हम बना देते हैं। लेट्स से एल आई मीन्स लास्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस 1, और अगर इस करंट आई में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 4 इंडेक्स पे आ जाएंगे और इससे एक आगे जाएंगे तो आप 5 इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। लेट से फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई माइनस 4 एंड देन प्लस 1। अब आपको क्या करना है कि एल आई और एफ आई के बीच में अपने एलिमेंट को सर्च करना है। तो लेट से जे इज इक्वल्स टू
फर्स्ट इंडेक्स और देन आपको जो सर्च करना है वो लास्ट इंडेक्स तक करना है, कंपैरिजन करना है कि अगर ए जे एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स तो आपको जे रिटर्न कर देना है, और अदरवाइज आपको आगे कंटिन्यू करना है एफ आई से एल आई के बीच में सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म कर लीजिए। जब आपका सिक्वेंशियल सर्च एफ आई से एल आई के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, और दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए जे इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा और आप जे को रिटर्न कर देंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लूप पूरा फिनिश हो जाएगा और ए जे एलिमेंट कभी भी एक्स के इक्वल नहीं होगा। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हमारा एलिमेंट पूरे एरे में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए उस केस में आप -1 रिटर्न कर दीजिए, जो कि एक इंडिकेशन है कि हमारा एलिमेंट पूरे एरे में कहीं नहीं मिला। फाइन, सो आई एम एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने इस एल्गोरिथम को लिखा। हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च हमें परफॉर्म करना था जिसमें ए एरे गिवन था जिसमें एन एलिमेंट्स थे। हमने सबसे पहले लो और हाई को सेट किया, सबसे छोटे इंडेक्स पे लो को और सबसे बड़े इंडेक्स पे n-1 को। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हमें गिवन है एरे में, क्या एक्स पहले एलिमेंट से ही छोटा है या फिर क्या एक्स लास्ट एलिमेंट से बड़ा है। अगर ये पहले एलिमेंट से छोटा है या लास्ट एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब कि मेरा एलिमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा एरे में, उस केस में हमने -1 को रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आपने आई को स्टार्ट किया सबसे छोटे इंडेक्स पे और आपने चेक किया कि क्या एक्स ग्रेटर देन ए आई है, क्या एक्स बड़ा है करंट एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो आपने आई को 4 इंडेक्स आगे की तरफ भेज दिया। जब ये कंडीशन फेल होगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स ए आई के इक्वल हो गया है या एक्स ए आई से छोटा है। अगर एक्स ए आई के इक्वल है तो आप आई इंडेक्स को रिटर्न कर दीजिए, इसका मतलब है कि सर्च सक्सेसफुल हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करना है इंडेक्स एल आई और एफ आई के बीच में। लास्ट इंडेक्स को आपने क्या सेट किया, करंट इंडेक्स -1, मतलब कि 7 इज दी लास्ट इंडेक्स। आई से 4 डिस्टेंस पीछे चले जाइए और उस इससे 1 आगे चले जाइए, मतलब कि 5, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करना है, और सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करते करते आप चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट इक्वल है ए जे के। अगर ऐसा है तो जे को रिटर्न कर दीजिए। अगर ये लूप पूरा चल गया और कहीं पे भी ए जे इक्वल्स टू एक्स नहीं हुआ, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो आपके एरे में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप -1 रिटर्न कर दीजिए। गिवन फैक्ट्स के हिसाब से हम आइए इसको कोड करके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक बना हुआ प्रोग्राम है, आप इसको रिकॉर्ड देख सकते हैं कि ये इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च फंक्शन है जिसमें कि ए एन और एक्स गिवन है। ए इज द एरे, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और एक्स इज दी सर्चिंग एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे आपने कहा कि लो इक्वल्स टू 0, हाई इक्वल्स टू n-1 इंडेक्स। अगर एक्स मेरा छोटा है पहले एलिमेंट से या एक्स मेरा बड़ा है लास्ट एलिमेंट से, तो आप -1 रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज आई को सबसे छोटे इंडेक्स पे सेट कीजिए। अगर आई, ये कंडीशन एडिशनल हमारे पास है कि जो आई जो हम जिसके थ्रू हम सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसका, वो हमारा छोटा होना चाहिए हाई इंडेक्स से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सर्च करते करते हाई इंडेक्स को भी क्रॉस कर गए। अगर हमने हाई इंडेक्स को भी क्रॉस कर गए, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो हमने ये कंडीशन तो लगाया ही कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन ए आई तभी तक हमें सर्चिंग करनी, तभी तक हमें आगे बढ़ना है। जैसे एक्स लेस देन और लेस देन ए आई हो या इक्वल टू ए आई, हमें रुक जाना है। 4 4 डिस्टेंस हमने आई को आगे बढ़ाया है, ये मानते हुए कि जो इंडेक्स में हर फोर्थ एलिमेंट वो स्टोर किया गया है। अगर ए आई इक्वल्स टू एक्स तो रिटर्न आई, अदरवाइज लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को सेट कीजिए। लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के बीच में सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म कीजिए, मैच हो जाए तो जे को रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज लूप के फिनिश होने पर -1 आप रिटर्न कर दीजिए। ये मेरा मेन है। मेन में हमने एक बड़ा सा एरे ले लिया है जिसमें 25 एलिमेंट्स हैं,
और हमने कई सारे इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च फंक्शंस को कॉल किया है। पहले हमने 20 सर्च किया है, देन 36 सर्च किया है, देन 47 सर्च किया है, देन 6 सर्च किया है, देन 50 सर्च किया है, एंड देन 41 सर्च किया है। रन करके देखते हैं और इसी से हम मैच भी करा के देखेंगे कि क्या हमारे सर्च थे और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट आया है। तो ये मेरा आउटपुट आ रहा है और इसी के हिसाब से हम इसको मैच करा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा जो पहला सर्च है वो 20 के लिए सर्च पहला है। चूंकि ये सर्च पहला 20 के लिए है तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो 9 इंडेक्स आया। 36 के लिए 17 इंडेक्स आया, 47 एलिमेंट नहीं मिलेगा, -1 इंडेक्स है इसके लिए, और जो 6 एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 है, जो 50 एलिमेंट है उसका इंडेक्स 24 है, 41 मेरा एलिमेंट नहीं मिलेगा एरे में इसलिए इसका इंडेक्स -1 है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया है। आइए अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं और एक एक ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या हर फोर्थ एलिमेंट को हमेशा हमें पिक करना चाहिए या फिर हमें अलग अलग साइज हम पिक कर सकते हैं इंडेक्स की। तो मान लीजिए कि आपके पास टोटल एन एलिमेंट्स हैं आपके एरे में और आपने क्या किया है कि हर फोर्थ एलिमेंट को इंडेक्स हर mth एलिमेंट को इंडेक्स में मेंटेन कर लिया है। तो इसका मतलब है कि जो इंडेक्स की साइज होगी वो हमारी n बाई m होगी। हम क्या कर सकेंगे, वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि हमें हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने माना कि ये इंडेक्स है तो हमने क्या किया कि इंडेक्स पे जा जाके अपने सर्चिंग एलिमेंट को मैच कराया। मान लेते हैं कि लास्ट वाले इंडेक्स से भी एलिमेंट मैच नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे कि FI और LI मतलब फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो सर्च आप परफॉर्म करेंगे वो होगा एन बाई एम जो कि इंडेक्स की साइज है और प्लस उसके बाद फिर आप सिक्वेंशियल सर्च करेंगे। सिक्वेंशियल सर्च करने में -1 कंपैरिजंस इन्वॉल्व होंगे। -1 हमने क्यों लिखा, इसको आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हैं कि अगर हमने हर फोर्थ एलिमेंट को हम मेंटेन किया है इंडेक्स में तो ये एलिमेंट इंडेक्स में होगा, ये भी एलिमेंट इंडेक्स में होगा। जब आपको 16 सर्च करना था तो आपने देखा कि ना ही 10-16 है ना ही 18-16 है, तो आपने 12 और 16 के बीच में मतलब कि 5 और 7 इंडेक्स के बीच में सिक्वेंशियल सर्च परफॉर्म किया। इस सर्च को परफॉर्म करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो आपने किया वो 3 कंपैरिजंस किया। अगर हर फोर्थ एलिमेंट को आपने मेंटेन किया है तो आप 3 कंपैरिजन कर रहे हैं और अगर आपने हर mth एलिमेंट को मेंटेन किया है तो आप टोटल m-1 कंपैरिजन करेंगे सिक्वेंशियल सर्च में। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो आपके हैं वो n/m (m-1) है। अब आपको क्या करना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस हैं उसको आपको मिनिमाइज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस को मिनिमाइज करने के लिए आप एक काम कीजिए कि मिनिमा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेरिवेटिव हम ले लेते हैं इस n/m + n-1 का। हमें ये डिसाइड करना है कि ब्लॉक का साइज क्या होना चाहिए या फिर इंडेक्स का साइज क्या होना चाहिए, इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट हमें मेंटेन करना चाहिए। तो ये जो m है वो हमारे लिए वेरिएबल टर्म है और ये जो वेरिएबल टर्म है इसी के बारे में मुझे आइडेंटिफाई करना है या इसी के बारे में मुझे जानकारी लेनी है कि इसका साइज कितना होना चाहिए जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए हमने इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि -n/1² और +1। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस मिनिमम हो इसके लिए DC/DM की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि -n/m = -n/m² = -1। नेगेटिव को कैंसिल कर दीजिए, सो दिस इज इक्वल्स टू n = m² और जो m की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू √n। तो बेटर ये है कि हर फोर्थ एलिमेंट को इंडेक्स मेंटेन करने की जगह
आप हर अंडर रूट एन वाले एलिमेंट को या हर अंडर रूट एन इंडेक्स के बाद एलिमेंट को इंडेक्स में मेंटेन कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास टोटल अगर 100 एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में आप हर 10th एलिमेंट को इंडेक्स में मेंटेन कीजिए। अगर आपके पास 500 एलिमेंट्स हैं, तो अंडर रूट 500 की जो भी वैल्यू आपके पास आए उसके हिसाब से आप, लेट से ये वैल्यू एम है, तो हर mth एलिमेंट को आप इंडेक्स पे मेंटेन कीजिए। पहले 0 इंडेक्स पे, फिर m इंडेक्स पे, देन 2m इंडेक्स पे, देन 3m इंडेक्स पे, देन 4m इंडेक्स पे, देन 5m इंडेक्स, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह से आप इसको इंडेक्स को मेंटेन कीजिए, जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन्वॉल्व हो। अगर आप इस तरह के कंपैरिजंस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने इन्वॉल्व हुए? एन बाई एम कंपैरिजन वर्स्ट केस में, और प्लस एम माइनस वन जो कि सिक्वेंशियल सर्च है। अगर हमने ये माना है कि जो एम है वो अंडर रूट एन है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन। ये हम कह सकते हैं कि अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एन माइनस वन, जिसको लिखा जाएगा बिग ओ अंडर रूट एन। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस या जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इंडेक्स सिक्वेंशियल सर्च की, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एन। फाइन, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। अगर आप इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अंडर रूट एन साइज का इंडेक्स मेंटेन करेंगे। तो जो इंडेक्स है उसकी साइज एक टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इनकर करेगा, तो इस एल्गोरिथम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ओ अंडर रूट एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अंडर रूट एन और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अंडर रूट एन। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।